अस्सलाम वालेकुम। आज हम होंडा के 150F में जो मेरी क्रूज़ कंट्रोल किट है स्पेशल एडिशन वाली, सिंपल जो भी हो, कौन सा भी वेरिएंट हो, उसको हम इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, उसके बाद ऊपर किस तरह लगाना है, वायरिंग किस तरह करनी है, वो सब आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो क्रूज़ कंट्रोल का बॉक्स है, इसके अंदर आपको इस तरीके से सबसे पहले तो आपकी क्रूज़ कंट्रोल किट मिल जाएगी, उसके बाद आपको किट के अंदर वारंटी कार्ड मिल जाएगा। जब भी आपने लिया होगी उस हिसाब से इस पर डेट वगैरह सारी लिखी होगी। ये कुछ स्टिकर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ये आपको आपका जो एक्सीलेटर का रिंग है ये वो मिल जाते हैं, इसका नट वगैरह सब कुछ लगा होता है। फिर आपको एक्स्ट्रा नट्स मिल जाते हैं, और ये आपको मिल जाती है जिन बाइक्स में किल स्विच हैं, ये उनके लिए जो फिटिंग है ये आपको वो मिल जाती है। तो अब मैं आपको बाइक पर इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, जो 150F है, YBR है, GR150, जिनके यहाँ पे किल स्विच नहीं है, उन पे आप इजीली किट को जो है इसके ऊपर इस तरीके से करके लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि बिल्कुल गैप भी नहीं होगा। ये अभी मैं खाली बॉक्स दिखा रहा हूँ, जब लगाएंगे तो ज़्यादा मज़े की फिनिशिंग आएगी। गैप भी नहीं आएगा बिल्कुल साइड पे, और किट बिल्कुल इसके ऊपर से प्रॉपर तरीके से लग भी जाएगी। अब लगाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आपको किट के अंदर दो बटन छोटे छोटे नट्स मिलेंगे, आप उनके साथ भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको डबल टेप के साथ लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको कहूँगा कि आप इसको छोटे नट्स जो उनके साथ लगा लें, उससे यह कोई उतार भी नहीं सकेगा और प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। दूसरी जो फिटिंग होती है वो ये होती है, लेकिन ये किल स्विच जिन बाइक्स में होते हैं उनके लिए होती है। और अगर आपको है कि मुझे नट नहीं भी लगाने, जो कि कोई बात इस तरह की है नहीं, आप इजीली उसको करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको है कि नहीं, बिल्कुल भी मुझे खोलना ही नहीं है इसको, आपको खोलना ही नहीं है, तो आप फिर यहाँ से इसको इन नट्स के साथ करके, ये जो आपके नट्स हैं ओपन करके, आप इसको इसके साथ करके थोड़ा सा पीछे उठाइए, यहाँ पर आपकी किट जो है थोड़ी सी ऊपर होकर लग जाएगी, तो आपका किल स्विच भी इंटरप्ट नहीं होगा और यहाँ पे आपका इस तरीके से किट जो है वो बैठ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको जो होल वाला मेथड है वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस बाइक पे होल वाला जो मेथड है, या फिर आप डिपॉक्सी जो भी आप करना चाहें यहाँ पे, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ओपन करने के लिए आप इसके नीचे देख सकते हैं, नीचे से इसको दिखाइएगा कि एक यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, नट मिलेगा, और एक आगे की तरफ नट मिलेगा। आपको पिक्चर्स में उनकी शोरी होंगी। इन दो नट्स को आपने ओपन करना है और आपका जो ऊपर वाला एरिया है इसका, ये उठ जाएगा। आप जब अभी मैं आपको नट वाली ऑप्शन बता रहा हूँ, नट नहीं भी लगाना तब भी आप इसके ऊपर ईजिली यहाँ पर करके लगा सकते हैं। अब जब नट से भी आपने लगानी है ना, तो आपने इसके ऊपर एक डबल टेप छोटी सी लगा के, उसके बाद आपने किट को इसके ऊपर जिधर आपने लगानी है वहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर करके, ये आपने बिल्कुल इसकी सीध में रखनी है। ये देखें, ये जो आपके जिधर से ग्रिप है आगे से, यहाँ से दिखाइएगा, ये जो आपकी ग्रिप है यहाँ से, इसके इस तरफ से दिखाएँ जी, ये जो एरिया आपने बिल्कुल इसके साथ सीध में रख दी। अब यहाँ पर आपने इसको प्रेस कर दिया। अब जब आप नट्स ओपन करेंगे तो आपकी ये साथ उतर आएगी और आपको होल्स करने में आसानी होगी। अच्छा, जब आप इसके नट्स ओपन करेंगे तो आपकी इजीली ये ऊपर से उठ जाएगी, ये आपकी इस तरह नीचे से रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपकी हिलके उतर भी जाए, आपने घबराना नहीं, आपने इसको सिंपली इस तरह एक्सीलेटर को मोड़ के दोबारा इसके अंदर इसको इजीली होल्ड कर देने, वापस लगे। अब आपने इसको लगाते टाइम एक और चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर ये उतर जाए, इसके यहाँ पर एक पिन सी होती है, आपके यहाँ पर ना एक होल सा होगा, ये आप देख सकते हैं, इस जगह नीचे होल होता है और ये आपकी पिन है। आपने इसके अंदर इसको होल्ड करके उसके बाद इसको टाइट करना है, अगर आपसे उतर जाए यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए, वरना आपको टाइट नहीं हो रही होगी। देखिए, इसमें ना बिल्कुल फिक्स हो जाती है, इसकी पिन होती है। अभी उतर गई, अब इसके साथ हम किट लगाएंगे। अभी जो पैकेट है, इसके अंदर आपको ये दो छोटे नट्स जो मिलेंगे, इनके साथ आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ज़रा से इसमें होल्स होते हैं, इसके साथ वो बड़ा पक्का होकर इन नट्स के साथ लग जाएगा। इनके छोटे छोटे सबसे बारीक नट्स हैं, तो इससे बड़ी प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। इस तरीके से जब आप नट्स लगा लेंगे ना, तो उसके बाद इस तरह ये चार इसके साथ नट्स आपको और मिलेंगे इस तरह करके, ये आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर बड़े प्रॉपर तरीके से लग गई है। अब नट्स ना लगाना चाहें अगर आपको है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है सुराग, हालांकि उनसे होता कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे डबल टेप से करके भी लगा सकते हैं, या कोई आपके पास इससे अच्छी ग्लू हो उससे करके। लेकिन एल्फी वगैरह से आपकी ग्रिप ख़राब ही होनी, इससे कुछ भी नहीं होता। ये होल कल को आप ये उतार भी दें तो आप छोटे छोटे से होल्स हैं, इनको बंद भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से पक्की होके ये सारी किट तरीके से बैठ गई। तो इस तरह इसकी चोरी का भी कोई डर नहीं है, और वैसे भी कोई उतारता नहीं, किसी को समझ तो आता नहीं है क्या। लगाने के बाद इसी तरीके से जिस तरह आपने दो नट्स उतारे थे, उनको वापस लगा के बस टाइट कर लेने, और इतनी ईजिली आपकी जो किट है वो फिट हो जाएगी। ये अब आप देख सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से करके नट्स के साथ प्रॉपर फिट हो चुकी है किट, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ी, सिर्फ दो छोटे होल्स थे वो किए और ये प्रॉपर तरीके से लग गई। अब वायरिंग के लिए आपने जो है इसका जो फ्रंट का फेस है इसको ओपन करना है। उसके लिए यहाँ पे आपको एक इस जगह पे नट मिलेगा और एक इस जगह पे, दो नट्स इस तरफ हैं और दूसरी तरफ भी इस तरीके से नट्स हैं। इन चारों नट्स को आप ओपन करेंगे, ये जो आपका प्लास्टिक का हेड है ये इसका ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको वायरिंग सिखाता हूँ। आपको ये जो इसका सिलेंडर सा मिलेगा, इसके साथ ये तार आ रही है, इसको आपने ऊपर केबल टाइज के साथ करके प्रॉपर नीचे ले आना है। बॉक्स में केबल टाइज होंगी। अब इसके अंदर आपको मिलेंगी पांच तारें, ठीक है। इसमें जो दो पतली तारें, मैंने तारों के ऊपर लिखा होगा, ठीक है, ये जो दो पतली तारें होंगी
ये आपकी होंगी एक्स्ट्रा स्विच की, जो किट पे आपको इस जगह मिलेगा एक्स्ट्रा स्विच, ये आपका एक्स्ट्रा स्विच है, ठीक है। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा स्विच की दो तारें होगी, आप कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए एज अ स्विच। तीन तारें आपको और मिलेंगी, ये एक होगी आपकी रेड कलर की जो कि पॉजिटिव होगी, उस पर भी लिखा होगा, एक ब्लैक होगी जो नेगेटिव होगी, एक येलो होगी जो कि आपकी ब्रेक की तार होगी, ठीक है। इस पर लिखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी है। अब आपने पॉजिटिव अपने 150F में देखना है कि आपका एक कनेक्टर होगा इस तरीके का, ये आपको मिल जाएगा, ये आपका चाबी स्विच है, इसके अंदर से आ रहे हैं, एक ही इस तरह का कनेक्टर होगा छोटे साइज का, बाकी सारे कनेक्टर बाइक में बड़े होंगे, एक ही ये कनेक्टर है जिसके अंदर आपको इस तरीके से रेड कलर की दोनों तरफ से वायर नज़र आ रही होंगी। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सामने की तरफ निशानी रखने के तौर पर आपको बता रहा हूँ, सामने की तरफ आपको क्लिप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्लिप जो है, इस क्लिप के सामने वाली वायर नहीं, इसके पीछे वाली, ये क्लिप है, इसके पीछे वाली वायर मतलब ये तार, ये वाली, ठीक है। इस तार को आपने पॉजिटिव इसके अंदर लगा देनी है और ये आपकी पॉजिटिव निकलेगी क्लिप के बैक साइड वाली। उसके बाद नेगेटिव आप कहीं से भी ले सकते हैं, जिस तरह इसकी DRLs आ रहे थे, इसके अंदर से हमने जो ग्रीन तार थी, देखें एक येलो होती ग्रीन होती, ग्रीन तार के अंदर से हमने नेगेटिव ले ली। अच्छा, आप जो ब्रेक की तार है आपका, ये एक वाहिद इस तरीके का होगा, दो रबड़ के ये होंगे, एक और होगा इस तरह का जिसके ऊपर रबड़ की कोट हुई हुई है। इस रबड़ की कोटिंग को आप ऊपर करेंगे, आपका इस तरह ना एक अंदर से निकल आएगी ग्रिप। इस ग्रिप के अंदर आपकी जो तार है ये वाली, इसको फोकस हो जाए, ग्रीन कलर की जिसके ऊपर येलो तार है, मतलब कि ये आपका जो कनेक्टर होगा, कनेक्टर का आपने बिल्कुल सीधा ऊपर देखना है, जो इसके राइट साइड पर सबसे राइट साइड पे तार है, ठीक है, फ्रंट पे, ये आपकी होगी ब्रेक पॉजिटिव की। इसके साथ आपने पॉजिटिव ब्रेक की लगा देनी येलो वाली, तो आपकी वायरिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी। जो ग्रिप है आपने इसका यहाँ से नट उतार के इसको हल्का सा खोल लेना है, क्योंकि 150F का यहाँ से ज़रा से चौड़ा होता है, इसके ऊपर फिर आपने ईजिली इसको चढ़ा के दोबारा टाइट करके इस पर नट लगा देना। अब इसको आप जितनी स्पीड में चाहते हैं कि ये कम स्पीड में लगे या ज़्यादा स्पीड में लगे, अब अगर आप इधर रखेंगे जितना आप मतलब आगे करेंगे ना उतना फिर ये ज़्यादा स्पीड में क्रूज़ लगेगा, जितना आप इसको पीछे रखेंगे उतना फिर ये 20 से लेके 60 तक, आगे रखेंगे तो आप संभल लें 40 से लेके 100 तक, इस तरीके से। अब इसका नट में टाइट करके आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से करके हमने नट के साथ प्रॉपर इस पर लगा दिए। नट आपने बस इतना टाइट करना है कि उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से होल्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा नट टाइट करेंगे तो एक्सेलेरेटर आपका टाइट हो सकता है। अभी देखें आपको किट की, अगर मैं पावर चेक कर रहा हूँ इसको, सबसे एंड पॉइंट पर रखता हूँ, ये देखें इस जगह पर, ये इस टाइम एक्सेलेटर फुल टाइट है, ठीक है। और ये देखें विद इन अ सेकेंड, अब ये जो किट है ये 150F वाली है, 70 वाली किट इस पर नहीं लग सकती क्योंकि उसकी मोटर छोटी होती है, तो ये फ़र्क होता है। अब देखें इसके एक्सेलेटर कितना हार्ड होता है 150F का, मतलब बटरफ्लाई कार्बोरेटर जो है 70 का आप इस तरह करें तो वो घूम जाते, देखेंगे कितना हार्ड होता है। अब इसके लिए मोटर में पावर होनी चाहिए, देखें अब ये फंसाया ना, अब पावर ना हो तो ये पीछे ही ना जाए। अब देखिएगा मैं एक सेकेंड में ब्रेक प्रेस करूँगा, ये फ़ौरन गया। तो आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से बाइक के साथ किट जो है वो इंस्टॉल होगी, ये प्रॉपर बड़े सॉलिड तरीके से करके, ये इसका ऑन ऑफ सारा, और अब यहाँ से इसकी ग्रिप देख लें, ये भी प्रॉपर, और कोई ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि भाई ने इधर काफ़ी लाइट्स वगैरह सब कुछ लगाया है, बाइक किन के अभी वो भी आपको मैं बताता हूँ। और ये देखें साइड से कोई कटिंग फिटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर किट आपकी फिटिंग में बैठती है। और ये देखें कितने मज़े की इसकी सारी, यहाँ से भी आप देख लें लुक आ गई है। फिर बटन आप जब ऑन करेंगे, ये देखें प्रॉपर यहाँ से पिन निकल रही है, ब्रेक के साथ प्रॉपर जा रही है, और मोटर में पावर भी इसकी बहुत है, तो आपने देखा ही था वो। चाबी बंद करेंगे तो वोल्ट मीटर बंद हो जाएगा, चाबी ऑन करेंगे, बटन ऑन करेंगे, चार्जिंग पोर्ट सब कुछ आपका चल पड़ेगा। अच्छा, अब ये बाइक आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का नाम दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं बिलाल जट ब्लॉगर्स। उसके बाद आप भाई को देख सकते हैं, इनको बताएं जरा अपने चैनल्स वगैरह के बारे में। मेरा नाम बिलाल जाट है और मोहम्मद बिलाल है मेरा नाम वैसे, तो बिलाल जाट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो और फेसबुक का वो जो ग्रुप है वो भी बताएं अपना, आप उसका पाकिस्तान बाइक टूर पाकिस्तान। हाँ, इन दोनों तो उसकी ये हार्ड होती है ना CB150F की, तो ये जब मोटर का बटन ऐसे दबाते हैं अभी ऑन कर ली, ठीक है। इसको इस तरीके से लगा दिया, हाँ ये लग गई है। अभी इसकी मोटर की पावर ज़्यादा है, जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं या ब्रेक को प्रेस करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है, लेकिन हो सकता है दो तीन दिन मुझे जाने में यूज़ करने में मुश्किल है, तो इंशाल्लाह यूज़ करते हैं पता चलेगा। अभी कश्मीर ट्रिप में कर रहा हूँ जी, जी वो आपने सारे आप देखने, ट्रैवलिंग के व्लॉग्स देखते हैं तो फिर मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी कश्मीर ट्रिप की वीडियोस व्लॉग्स को आप ज़रूर देखें। हाँ तो चलें, आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बाकी इनकी टूर्स भी देखने हैं, और उसमें फिर आपको मेरी किट की जो असलियत है मुझे तो पता है, आपको भी पता चल जाएगी इंशाल्लाह। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको 150F में लगाने का तरीका भी पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।